circuit, 4A DC voltage inductor behave as a DC voltage inductor behave as a short circuit. और DC voltage के लिए conductor है यानी capacitor है वो open circuit की तरह काम करता है. In this circuit shown, which of the following statement is not correct? तो कौन सा statement correct नहीं है यहाँ पर, जैसे कि हम बात करें I2 की वैल्यू I1 plus 6 सही है, सर्किट है जो सुपरपोजिशन है सुपर बेस, ये भी सही है क्योंकि बीच में करंट सोर्स है. यहाँ पर हम देखें -20 प्लस 6 I1 प्लस के 40 I2, तो 14 I2 ये यहाँ पर हम देखें 10 बार 14 I2 ये भी सही है. तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, जैसे कि -20 प्लस 6 I1 प्लस के 2 I1 माइनस I2 ये गलत है स्टेटमेंट फोर्थ नंबर, क्योंकि सुपर बेस है तो इसलिए बीच वाला हम इग्नोर कर देते हैं. तो कॉमन धारा सोर्स हो तो सुपर बेस में तो हम क्या करते हैं, परिपथ में सुपर बेस यूज करते हैं और दोनों रूपों में KVL लगा देते हैं. इस वजह से हमारा सी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन गलत. नेक्स्ट हम देखें वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर वोल्टेज हमसे पूछा है वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस. तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू, सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं बी माइनस ई डिवाइड बाय 6 प्लस बी बाय 4 इक्वल और माइनस के इक्वल टू माइनस आई, इस तरीके से देते हैं. तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास में वी इक्वल टू 0.4 ई माइनस के 2.4 आई, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा. इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट हम देखें थ्री रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम ईच आर कनेक्टेड इन डेल्टा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन स्टार. तो डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं, इसका मतलब हम ओपन कर रहे हैं, क्लोज है उसको ओपन कर रहे हैं, ओपन करने के लिए डिवाइड करते हैं 3 का, यानी कि आर डिवाइड बाई 3 आंसर हो जाएगा. तो आर डिवाइड बाई 3 ईच ब्रांच हो जाएगा. नेक्स्ट देखें जैसे यहाँ पर हम देखें 1 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स प्लस आई, वी प्लस आई इक्वल टू 100 रखा है, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस निकालना है. तो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस क्या होगा, तो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वी प्लस आई 100 दे रखा है, इसका मतलब लोड की वैल्यू क्या होगी, आर एल इक्वल दे रखा 1 ओम, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 into I. यहाँ पर अगर भी पूछा जाए V की वैल्यू हो जाएगी 1 into I, यानी I हो जाएगी I प्लस I इक्वल टू 100, तो 2I इक्वल टू 100, तो I की वैल्यू क्या आएगी 50, तो आंसर क्या जाएगा 50 एम्पीयर आंसर आ जाएगा. राइट कब देखें जैसे ये है consider the star network shown in the figure. The resistance between A and B with C open is 6 ohm. Between B and C, A open is 11 ohm. Between C and A, B open is 9 ohm. तो हमें RA, RB, RC की वैल्यू निकालनी है. तो कैसे निकालने में, जैसे कि यहाँ पर हम देखें RA plus RB equal to दे रखा है 6. जब C ओपन है तो इसका मतलब आर ए प्लस आर सी इक्वल टू 6 दे रखा है, आर बी इक्वल टू 6. फिर B और C A ओपन है तो आर बी प्लस आर सी इक्वल टू दे रखा है 11, यहाँ पर A ओपन है, और C एंड A B ओपन है तो आर सी प्लस आर ए इक्वल टू दे रखा है 9. इससे हम आर ए आर बी आर सी की निकाल लेंगे, आर ए की वैल्यू आएगी 2 ओम, आर बी की वैल्यू आ जाएगी 4 और आर सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7 ओम.
ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 7 ओम, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, एज्यूमिंग आइडियल एलिमेंट इन द सर्किट शोन इन बिलो, द वोल्टेज वी ए एच और वी ए बी इक्वल टू, वोल्टेज वी ए बी की वैल्यू क्या हो गई। तो यहाँ पर वोल्टेज में निकालना है, तो बने पे करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, यानी कि 3 वोल्ट वैल्यू आ जाएगी, माइनस के 3 वोल्ट वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस के 3 वोल्ट, क्योंकि केसीएल लगा देंगे यहाँ पर, केवीएल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस के 2 वोल्ट और माइनस के इधर 5 वोल्ट, तो माइनस के 3 वोल्ट आंसर आ जाएगा, माइनस के 3 वोल्ट आंसर ये है। नेक्स्ट देखें, आइडियल एमिटर इज कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, रीडिंग ऑफ एमिटर, एमिटर की रीडिंग क्या है, एमिटर की रीडिंग हम देखें, इसका मतलब यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वही एमिटर की रीडिंग होगी। तो करंट फ्लो क्या होगी, यहाँ पर करंट फ्लो निकालनी है, यानी आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है, शॉर्ट सर्किट करंट आ जाएगी यहाँ पर आई डिवाइड बाई टू, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल लें, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकाल लें, 6 ओम है, 6 ओम है, 6 ओम है, यहाँ पर भी 6 ओम है, इसको अगर हमने शॉर्ट कर दिया, यानी यहाँ पर हमने करंट की वैल्यू निकालनी है, तो शॉर्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास में शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर करंट आई फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर आई बाई टू करंट फ्लो होगी और यहाँ पर भी आई बाई टू करंट फ्लो होगी, यानी शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू क्या आ रही है, आई डिवाइड बाई टू। अब केवीएल नियम लगाए तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 6 इंटू आई प्लस के 6 इंटू आई बाई टू इक्वल टू 9, तो यहाँ से हमारी आई की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर, तो आई की वैल्यू 1 एम्पियर यहाँ पर रख देते हैं, तो आई शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2, यानी 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखें, इन दी सर्किट शोन इन द फिगर द डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स में क्या होगा, डिपेंडेंट सोर्स डिलीवर 48 वाट, 48 वाट, यानी ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये कितनी पावर डिलीवर करेगा, तो वोल्टेज है बी इंटू आई से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी उसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं यहाँ पर, बट वोल्टेज डिविजन रूल लगाएं तो सबसे पहले हमें निकालना होगा यहाँ पर वोल्टेज, यानी बी ए की वैल्यू निकालनी है, बी ए की वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि बी माइनस 20 डिवाइड बाई 10 प्लस बी बाई 1 प्लस, तो ये करंट की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इक्वल टू हो जाएगा बी 1 बाई या बी 1 बाई 5, बी 1 बाई 5, इससे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बी ए की वैल्यू, क्योंकि बी 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वन की वैल्यू 20 दे रखी है, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 12 वोल्ट, तो ये आ गया यहाँ पर 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट आ गया है, अब हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू 4 एम्पियर, क्योंकि बी 1 डिवाइड बाई, बी 1 डिवाइड बाई 5, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 4 एम्पियर, डिवाइड बाई 5 यानी 4 एम्पियर, तो करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है 4 एम्पियर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पावर निकाल सकते हैं बी इंटू आई, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो पावर हो जाएगी बी इंटू आई, यानी 12 इंटू 4, यानी 48 वाट, और ये प्लस से करंट निकल रही है, इसका मतलब ये डिलीवर करेगी।
करंट यहाँ पर डिलीवर होगी, यानी कि पावर यहाँ पर डिलीवर होगी। नेक्स्ट देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन है, करंट इन दी 1 ओम रेजिस्टर इन दी सर्किट, तो सर्किट में 1 ओम रेजिस्टेंस के तरफ करंट की वैल्यू क्या होगी? तो दोनों तरफ 1 वोल्ट 1 वोल्ट है, तो करंट की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि कोई भी करंट पोटेंशियल डिफरेंस सही नहीं है, तो करंट की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू तो यहाँ पर हम देखें कि समांतर में वोल्टेज का मान एक समान होता है, यानी 1 वोल्ट होगा, तो 1 डिवाइड बाय 1 से भी हम 1 एम्पियर करंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से 1 एम्पियर भी आंसर आ जाएगा इसका, 1 एम्पियर आंसर होगा, 0 नहीं होगा। करंट इन दी सर्किट हम देखें, जैसे कि इस सर्किट में करंट हमें निकालनी है, इस सर्किट में करंट निकालने के लिए करंट डिविजन रूल लगा देंगे, यानी I1 की वैल्यू सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रयोग करके हम 10 वोल्ट से काम करते हैं, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? करंट वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएं, तो वोल्टेज को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, और करंट सोर्स से काम लेते हैं, तो करंट सोर्स से करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, तो यहाँ पर देखें कि करंट की वैल्यू क्या होगी, यानी 5 ओम रेजिस्टेंस कितनी करंट होगी, तो 2 ऊपर आ जाएगा पैरेलल में है, तो 2 × 5 यानी 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, डिवाइड बाई 5 + 2 यानी 7, तो ये आ जाएगा 10 / 7 एम्पीयर। अब वोल्टेज से करते हैं, वोल्टेज से करंट की वैल्यू क्या होगी, तो वोल्टेज से करंट की वैल्यू जो होगी I2 की वैल्यू वोल्टेज सोर्स की वजह से आएगी 10 / 7, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20 / 7, 20 / 7 एम्पीयर हमारा आंसर है। एक बार करंट सोर्स से, एक बार वोल्टेज सोर्स से, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज चेंज टू 5 ओम, देन कंपनसेटिंग वोल्टेज विल बी, तो 3 ओम से 5 ओम हो गया है, तो कंपेंसेटिंग वोल्टेज क्या होगा? जैसे पहले 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही थी, अभी भी 2 एम्पीयर करंट फ्लो होनी थी, जो कंपेंसेटिंग वोल्टेज है 8 वोल्ट की और जरूरत पड़ गई यहाँ पर। तो जैसे कि पहले जो करंट फ्लो हो रही थी 8/4 यानी 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही थी, अब कंपेंसेटिंग वोल्टेज की जरूरत के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस में कितना आ रहा है, 3 ओम से ये रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम, यानी 2 रेजिस्टेंस का चेंज आ रहा है, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, I × चेंज इन रेजिस्टेंस यानी 2 एम्पीयर, तो 2 × 2 यानी कि 4 वोल्ट का कंपेंसेशन चाहिए, तो ये 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, करंट इन दी सर्किट, तो सर्किट में करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, 4I आउटपुट करंट की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर हम निकालें KCL लगा दे, KVL लगा देते हैं -K36 +K4I आउटपुट +K5I आउटपुट = 0, तो 9I आउटपुट = 36, तो I आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी 36/9 यानी कि 4, तो I आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी, 4 एम्पीयर। नेक्स्ट हम देखें, द डिपेंडेंट सोर्स इन द सर्किट शोन इज क्लासिफाइड है, तो डिपेंडेंट सोर्स है सर्किट में किस तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा, तो यहाँ पर
वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है, यानी ये करंट सोर्स का वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये होगा वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं दी एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन एनी क्लोज्ड पाथ नेटवर्क इज इक्वल टू, नेटवर्क इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखें जैसे कि फोर पैरेलल रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल विद फाइव सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई ऑफ 210 वोल्ट, इफ आर इज रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस एंड सप्लाई करंट इज 5 एम्पीयर देन द वैल्यू ऑफ आर। तो आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर हम देखें फोर रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है और पांच रेजिस्टेंस की सीरीज में इज पैरेलल विद द फाइव रेजिस्टेंस आर, फाइव सीरीज रेजिस्टेंस यानी पांच सीरीज रेजिस्टेंस के पैरेलल में, तो पांच सीरीज रेजिस्टेंस के सीरीज में है और फोर रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो फोर रेजिस्टेंस पैरेलल में तो हो जाएगा R/4। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और इसको 210 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, करंट की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पीयर। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं यानी कि 210 210 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू इन पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंस, तो 5R × R/4 डिवाइड बाई 5R × R/4 डिवाइड बाई 5R + R/4, तो ये आ जाएगा 210 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 5R² / 4, यहाँ पर आ जाएगा 20 × 5 = 20 और एक 21R/4 ऊपर चला जाएगा, तो ये से कट जाएगा यानी कि 5R/21 आ जाएगा, 210 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 5R/21, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर R की वैल्यू 21 × 210 / 5 × 5, तो आंसर आ जाएगा 4410/25। तो 4410/25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें व्हाट इज द वोल्टेज VAB अक्रॉस द करंट सोर्स, तो करंट सोर्स के अक्रॉस VAB की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर बी ए वी पूछा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस क्या होगा 2 और 8 का पैरेलल रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो 2 × 8/10 यानी 1.6 आता है, 1.6 × 2 1.6 + 2 यानी कि 3.6 आ रहा है, करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पीयर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 6 18 आ जाएगी, 6 18 आ जाएगी, 1 9 3 9 1 10 यानी कि 10.8 वोल्ट आएगा, 10.8 वोल्ट किसका आ रहा है, यहाँ पर इसका ऑप्शन का आ रहा है 10.8 वोल्ट आ रहा है। नेक्स्ट देखें दिस सर्किट शोन, दिस सर्किट शोन इन दिस शोन द पावर इज पावर इन रजिस्टर आर इज 8 ओम वाट, पावर है रजिस्टर आर में 8 वाट है एंड बी एस वन इक्वल टू 12 वोल्ट एंड बी एस टू इक्वल टू 0 वोल्ट, फाइंड द पावर इन सेम रजिस्टर आर व्हेन बी एस वन इक्वल टू 12 वोल्ट एंड बी एस टू इक्वल टू 24 वोल्ट। तो पहले 8 वाट थी जब बी एस वन 12 वोल्ट थी और बी एस 0 थी, यानी ये 12 वोल्ट था और ये 0 था, तो 8 वाट थी, अभी ये बी एस वन 12 हो गया है लेकिन ये 24 हो गया है, तो वाट में क्या अंतर रहेगा, तो वाट की बात करें तो नोडल एनालिसिस लगा देते हैं, यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगा करके सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं वी ए वोल्टेज, फिर ये कैलकुलेट करेंगे
वी वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस वी डिवाइड बाई 2, 12 माइनस वी ए डिवाइड बाई 2 प्लस 0 माइनस वी ए डिवाइड बाई 2, 0 माइनस डी बी ए डिवाइड बाई 2 प्लस बी वी माइनस बी ए डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन आएगी हमारी 2 बी ए माइनस बी वी इक्वल टू 6, ये समीकरण बना होगा। इसी तरीके से नोड बी पर हम अप्लाई कर देते हैं। नोड बी पर क्या अप्लाई करेंगे, नोड बी पर अप्लाई करेंगे नोडल एनालिसिस, तो ये हो जाएगा बी ए माइनस वी वी डिवाइड बाई 1 प्लस बी वी बाई 2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस बी वी बाई 2 और फिर हो जाएगा एक और 24 माइनस वी वी बाई 2, 24 माइनस वी वी बाई 2 इक्वल टू 0। इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी बी ए माइनस 2 बी वी इक्वल टू माइनस 12। तो इससे बी ए की वैल्यू आ गई 8 वोल्ट, दोनों इक्वेशन से बी ए की वैल्यू 8 वोल्ट और बी वी की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 10 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, आर के सापेक्ष पावर हमें निकालनी है। तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर यानी 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 32 वाट। पावर आ गई हमारी 32 वाट। नेक्स्ट देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन है आर प्रतिरोध आर में शक्ति वाट में निकालना है, यानी कि आर के अंदर जो पावर लॉस है वो हमें निकालना है। पावर लॉस होता है आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर हम देखें जैसे करंट है 6 एम्पियर है, तो सबसे पहले इस करंट सोर्स से हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस सोर्स से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लें, इसको भी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा 60 वोल्ट, यानी कि इस तरीके से 60 वोल्ट, 10 ओम का रेजिस्टेंस, फिर आर है, फिर 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये भी 60 वोल्ट हो गया, 60 वोल्ट। अब हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 10 प्लस आर प्लस 6, 10 प्लस आर प्लस 6 इंटू आई इक्वल टू 0, क्योंकि ये 60 है, माइनस का 60 है, प्लस का 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 60 और प्लस 60 इक्वल टू 0, तो ये इससे कट जाएगा, यानी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। आई की वैल्यू 0 आ जाएगी तो पावर वाट में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जैसे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टेक्स प्लेस एट एन एफिशिएंसी, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टेक्स प्लेस एन एफिशिएंसी और 50% आ जाएगी यहाँ पर। ए सिस्टम दैट विच फॉलो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दैट इज नॉन एज लीनियर सिस्टम, ए सिस्टम इज लीनियर इफ एंड ओनली इफ इट अप्लाई सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी, दोनों प्रिंसिपल पर अप्लाई काम करता है। नेक्स्ट देखें, जैसे ये क्वेश्चन है नॉर्टन प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी है, तो नॉर्टन प्रतिरोध निकालने के लिए हमें क्या करना है, करंट सोर्स को ओपन और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, तो 4 और 12 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालें, तो क्या हो जाएगा 3, 3 और 1 4, तो 4 ओम आ जाएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट देखें, सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर्ड एज मैनी सर्किट टू सॉल्व एज दे आर,
to solve as they are sources. The resistance which should be connected between the terminal P and Q for maximum transfer of power from source to the combined load. तो सोर्स टू कंबाइंड लोड तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर आर आना चाहिए, तो पी क्यू के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 ओम आ गई, ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाए क्योंकि सोर्स का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो ये आ जाएगी 4 ओम। नेक्स्ट हम देखें टेलीगन थ्योरम इज एप्लीकेबल। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर जैसे कि टेलीगंस थ्योरम इज एप्लीकेबल। टेलीगंस थ्योरम इज एप्लीकेबल बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क। मिल्मान्स थ्योरम यील्ड इक्विवेलेंट टू वोल्टेज और करंट सोर्स। नेक्स्ट देखें द वैल्यू ऑफ करंट इन दी 1 ओम रजिस्टर। 1 ओम रजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी? तो पहले तो वोल्टेज सोर्स से हम देखें करंट की वैल्यू 5 एम्पियर होगी। फिर करंट सोर्स से इधर शॉर्ट हो जाएगा, तो करंट सोर्स से ये 5 एम्पियर करंट की वैल्यू पूरी इधर से निकल जाएगी, यानी फाइनल 5 एम्पियर ही हमारी करंट यहाँ पर फ्लो होने वाली है अगर हम देखें, क्योंकि तो करंट सोर्स से जो करंट फ्लो होगी यहाँ पर शॉर्ट करते ही सारी करंट यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि करंट हमेशा जहाँ पर रेजिस्टेंस लोएस्ट होता है वही उसी पाथ को फॉलो करती है। नॉर्टन रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में नॉर्टन रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ये करंट सोर्स है, यहाँ पर करंट सोर्स को क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं, ये हमारे दोनों सीरीज में चले जाएंगे, यानी 10 और 20 30 सीरीज में कितने किसके हैं? 120 के डिवाइड बाई 150, तो ये 30 से कट जाएगा 50 बार, 30 से 5 बार, और 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी 24 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जैसे कि इन ए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम द इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी, तो रेजिस्टेंस जो होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू दी लोड रेजिस्टेंस। द रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर। रेसिप्रोसिटी थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? ये ओनली सिंगल सोर्स नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम एनेबल ए नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स टू बी कंबाइंड डायरेक्टली इन टू ए सिंगल वोल्टेज करंट सोर्स, सिंगल वोल्टेज और करंट सोर्स, दैट इज मिल्मान्स थ्योरम। फॉर द नेटवर्क ऑन इन द फिगर व्हेन आई इक्वल टू 0 वी इक्वल टू 20, व्हेन आर इक्वल टू 0 आई इक्वल टू 10, नाउ आर इक्वल टू 3 ओम देन वैल्यू ऑफ करंट आर, आई की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर हम देखें कि वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 20, करंट की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 डिवाइड बाई 10, यानी कि 2 ओम हो जाएगी। आर टी एच आ गया 2 ओम, और आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3 ओम। अब हमें पता चला है कि आर की वैल्यू मान लो 3 ओम है, तो टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 3, यानी कि 5 ओम। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इक्वल टू 20 वोल्टेज है डिवाइड बाय आर 5, तो क्या आ जाएगा? 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखें टू पोर्ट पैरामीटर H21 इज कॉल्ड। H21 क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन। क्योंकि H1 पैरामीटर यानी H पैरामीटर हम देखें तो ये क्या होता है? H1 पैरामीटर V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 I2 H12 V2। V1 इक्वल टू H11
आई वन प्लस एच वन टू बी टू और आई टू इक्वल टू एच टू वन आई वन प्लस एच टू टू बी टू। इसके अकॉर्डिंग एच टू वन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई टू डिवाइड बाई आई वन और यहाँ पर वी टू की वैल्यू क्या है जीरो। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड करंट क्या है तो फॉरवर्ड ट्रांसमिशन पैरामीटर में एच टू वन आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट के साथ नेटवर्क की धारा लाभ को दर्शाता है एंड नेटवर्क के करंट गैप को दर्शाता है। इसलिए हम एच टू वन को यहाँ पर क्या कहेंगे शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गैप कहेंगे। एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विथ एट इंडिपेंडेंट नोड्स, एट इंडिपेंडेंट नोड्स के साथ में क्या होगा सेवन नोडल इक्वेशन होगी यानी एन माइनस वन इक्वेशन होती है। नेक्स्ट हम देखें द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क। तो टू पोर्ट नेटवर्क के लिए वैल्यू ऑफ पैरामीटर है ए की वैल्यू क्या होगी तो सबसे पहले हम निकाले यहां पर बी वन की वैल्यू, बी वन इक्वल टू फाइव आई वन यानी यहां पर जो करंट फ्लो होगी वो आई वन, तो बी वन इक्वल टू फाइव आई वन प्लस यहां से करंट आ रही है आई टू फाइव आई टू और बी टू इक्वल टू क्या होगा फाइव आई टू प्लस फाइव आई वन प्लस फाइव आई टू यानी हो जाएगा बी टू इक्वल टू टेन आई टू प्लस फाइव आई वन। तो इससे हम देखें समीकरण दो से अगर आई वन की वैल्यू यहां से हम निकालें तो आई वन की वैल्यू हो जाएगी यहां पर बी टू माइनस टेन आई टू डिवाइड बाई फाइव। ये हमारा समीकरण वन है, ये हमारा समीकरण दो है। समीकरण दो से आई वन की वैल्यू निकाली है, इसको समीकरण वन में रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा समीकरण वन में रखेंगे तो बी वन इक्वल टू फाइव टाइम बी टू माइनस टेन आई टू डिवाइड बाई फाइव प्लस फाइव आई टू। तो इससे हमारी वैल्यू हो जाएगी बी वन इक्वल टू वी टू माइनस टेन आई टू प्लस फाइव आई टू। तो वी वन की वैल्यू क्या होगी वी टू माइनस की फाइव आई टू। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं हम वी वन इक्वल टू ए वी टू माइनस वी आई टू से तो ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर वन, बी की वैल्यू पूछी जाए तो बी की वैल्यू क्या आएगी फाइव तो ए की वैल्यू आएगी वन यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें ए नेटवर्क हैज 12 ब्रांच एंड 8 इंडिपेंडेंट नोड, नंबर ऑफ नोड इन द नेटवर्क। तो नोड हमने निकालना है तो फार्मूला होता है लूप का एल इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन। तो एन की वैल्यू हमसे पूछी है तो क्या होगा बी माइनस एल प्लस वन हो जाएगा। बी क्या है ब्रांचेज यानी 12 माइनस के एल इंडिपेंडेंट लूप है 8 प्लस वन तो क्या हो जाएगा एन की वैल्यू फाइव आ जाएगी तो एन की वैल्यू फाइव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें जैसे कि द रिड्यूस्ड इंपीडेंस, द रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ। तो रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ क्या होगी रिड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ द मैट्रिक्स की क्या होगी एन इक्वल टू फोर है वन टू थ्री फोर तो एन इक्वल नंबर ऑफ नोड भी फोर है यहाँ पर वन टू थ्री फोर तो नंबर ऑफ नोड फोर है तो एन इक्वल टू फोर। ब्रांचेज क्या है टोटल छः हैं तीन तो ये होगी चार पाँच छः तो ब्रांचेज है यहाँ पर छः तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालें तो क्या होगी मैट्रिक्स की संख्या एन इंटू एन माइनस वन यानी एन इक्वल टू मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा एन माइनस वन इंटू सिक्स एन माइनस वन क्या है थ्री
थ्री इंटू सिक्स क्या हो गया 18, या 3 × 6 ये वाला सीक्वेंस आ जाएगा, एन इक्वल टू एन माइनस वन इंटू सिक्स, और एन माइनस वन इंटू बी हो जाएगा यहाँ पर ब्रांच के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगी जल्दी। नेक्स्ट हम देखें, फोर दी सिंगल एलिमेंट टू पोर्ट नेटवर्क y12 इक्वल टू y11, तो y11 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, y11 इक्वल टू होता है i1 डिवाइड बाई v1, यहाँ पर v2 की वैल्यू 0 हो, तो y11 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखें जहाँ वोल्टेज v1 और v2 एक 10 ओम के प्रतिरोध के समांतर में लगे हों, तो b1 इक्वल टू b2 होगा, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होगा, b1 की वैल्यू b2 के इक्वल होगा, और b2 इक्वल टू 0 है तो b1 इक्वल टू b0 होगा, और यहाँ पर b1 है यहाँ पर b2 है, दोनों समांतर में लगे हुए हैं, तो ये 10 ओम के समांतर में लगे हुए हैं, इसका मतलब b1 इक्वल टू b2 होगा, तो अगर b2 की वैल्यू 0 है हमारा तो b1 की वैल्यू 0 होगी, और i1 डिवाइड बाई 0 यानी किसी भी संख्या के 0 डिवाइड करते हैं तो वो संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट हम देखें, एन इलेक्ट्रिक सर्किट 10 ब्रांच एंड 7 नोड, तो 10 ब्रांच और 7 नोड में क्या होगा, 4 लूप इक्वेशन होंगी, वी माइनस एन प्लस वन, तो बी क्या है 10 माइनस एन क्या है 7 प्लस 1, यानी कि 4 लूप इक्वेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, इफ द नंबर ऑफ ब्रांच इन द नेटवर्क इज वी, नंबर ऑफ नोड्स इज एन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप इज एल, देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशन, तो नोड इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी एन माइनस बी माइनस एन प्लस वन, एल की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर पूछिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशन, तो नोड इक्वेशन के लिए एल माइनस बी बी माइनस एल प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखें फार्मूला कैसे बनेगा, एन माइनस वन हो जाएगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट नोड समीकरण की संख्या एन माइनस वन हो जाएगी। फॉर टू पोर्ट सिमेट्रिकल बायलैटरल नेटवर्क ए ट्रांसमिशन लाइन ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर सी, तो वैल्यू ऑफ पैरामीटर सी क्या होगा, तो ए डी माइनस बी सी इक्वल टू होता है 1, सिमेट्रिकल के लिए AD माइनस BC इक्वल टू 1, A की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, B की वैल्यू दे रखी है और D की वैल्यू भी दे रखी है, A इक्वल टू D होता है सिमेट्रिकल पैरामीटर के लिए, तो A इंटू डी यानी 2 × 2 प्लस माइनस B की वैल्यू क्या है 1 है, इंटू C की वैल्यू पूछिए इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगी C इक्वल टू 4 − 1 यानी 3 ओम हो जाएगा C की वैल्यू। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहाँ कहाँ पर लागू होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर लंप्ड विद्युत के सर्किट के लिए लागू होता है, तत्व की प्रकृति के स्वतंत्र लागू होता है, केसीएल को हम लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव बाइलेटरल टाइम वेरिएंट और टाइम एंड वेरिएंट पर भी लागू कर सकते हैं केसीएल को, लेकिन केवीएल को हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में लागू नहीं कर सकते, लंप्ड में लागू कर सकते हैं, पैसिव एलिमेंट में लागू कर सकते हैं और नॉन लीनियर में लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर ब्रांच इन एनी नेटवर्क, ब्रांच इन एनी नेटवर्क इज नोन एज, ब्रांच इन एनी नेटवर्क इज नोन एज नोड। नेक्स्ट हम देखें, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई डिवाइड बाई फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ आई डिवाइड बाई आई, यानी आई की वैल्यू हमें निकालनी है, आई का मान निकालना है हमें, आई की वैल्यू क्या होगी,
तो वोल्टेज सोर्स में इसको कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25 वोल्ट, लेकिन ये डायरेक्शन होगी नीचे की साइड इस तरीके से 25 वोल्ट, और रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस डायरेक्शन नीचे की साइड गई तो रेजिस्टेंस नीचे की साइड जाएगा एक तरीके से। तो वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई किया माइनस और प्लस 25, और रेजिस्टेंस भी नीचे की साइड गया इस तरीके से। इसी तरीके से इसको कन्वर्ट किया, 4 × 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट प्लस का ऊपर की साइड जाएगा डायरेक्शन 8 वोल्ट, और रेजिस्टेंस चला जाएगा यहाँ पर 4। चार यहाँ पर भी देख सकते हैं, और ये 15 ओम रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 5 ओम है। अब हम लगा देते हैं लूप, क्लोज लूप में केवीएल लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लस 25 25 प्लस के 15 i, और प्लस के 4 i, फिर प्लस के 8, फिर प्लस के 5 i इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 है यहाँ पर और 25 है यानी 33, 15 × 4 = 19, 19 × 5 24 i, तो 24 i इक्वल टू माइनस के 33। तो i की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 33 डिवाइड बाई 24, यानी कि 1.375 माइनस का आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के, यानी करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। नेक्स्ट हम देखें द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर हम देखें इसको सॉल्व करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट होगा कि सबसे पहले तो हमने आरएल को हटा दिया, आरएल को हटाते ही यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, जैसे ये 6 ओम और 6 ओम, तो ये वाले दोनों 6 ओम 6 ओम में पैरेलल में चले जाएंगे, यानी कि 3 ओम आ जाएगा, और इधर वाले ये दोनों रेजिस्टेंस है ये भी पैरेलल में है, तो ये आ जाएगा 2 ओम। तो आरटीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों वाला रेजिस्टेंस 2 ओम प्लस ये दोनों रेजिस्टेंस 6 ओम 6 ओम का 3 ओम, तो आ जाएगा 5 ओम, तो 5 ओम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ पर करंट की वैल्यू कैसे आएगी, इस फिगर में करंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 3 नेटवर्क लीनियर हैं, तो यहाँ पर हम देखें कि शाखा में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, पहले में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, जैसे यहाँ पर वोल्टेज है, ये सेम सर्किट है, यहाँ पर सिर्फ ये 2 एम्पीयर करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। अब इसको 2 एम्पीयर करंट को यानी वोल्टेज सोर्स को हमने यहाँ पर लगा दिया है, 2 एम्पीयर करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है यानी विपरीत डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसका मतलब 2 वोल्ट अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं तो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि माइनस के 2 एम्पीयर फ्लो होगी। तो यहाँ पर हम देखें फिगर में 2 वोल्टेज सोर्स है, बी और टू बी एक साथ लगे हुए हैं, जैसे कि वी भी लगा हुआ है और टू बी भी लगा हुआ है, एक साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखें जब टू बी वोल्ट सक्रिय हो तब विशेष रूप से -4 एम्पीयर करंट फ्लो होगी, सिर्फ टू बी वोल्ट सक्रिय हो तो, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क रेखीय है इसलिए हम कह सकते हैं कि फिगर सी में दोनों वोल्टेज एक साथ काम करेंगे, यानी कि 2 − 4, पहले करंट 2 एम्पीयर है तो 2 − 4 यानी कि क्या हो जाएगा, -2 एम्पीयर हो जाएगा, -2 एम्पीयर आंसर है। नेक्स्ट हम देखें दी सर्किट ऑन फिगर द वैल्यू ऑफ वी अक्रॉस 5 ओम।
तो 5 ओम के अक्रॉस डी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो सबको हम क्या करते हैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम 2.3 2.3 यानी ये करंट 2.5 आ रही है करंट, और ये 3 एम्पीयर करंट जा रही है, तो ये आ रही है जा रही है कैंसिल आउट हो जाएगी। 3 एम्पीयर करंट को 5 और 5 में डिवाइड कर देते हैं तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 3 एम्पीयर। अब वोल्टेज निकालना है यहाँ पर हमें 5 ओम के अक्रॉस, तो 5 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस की आएगी सारी वैल्यू, ये करंट की डायरेक्शन चेंज है यहाँ पर, इसलिए आ जाएगा यहाँ पर 10 डिवाइड 15 है, यहाँ पर 15 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, तो 5 से दोबारा कटा तो ये आ जाएगा 7.5 वोल्ट, तो 7.5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें कुछ एग्जाम्स रिलेटेड पॉइंट है, क्या पॉइंट है, चार टर्मिनल नेटवर्क से निर्मित होता है, चार टर्मिनल नेटवर्क से टू-पोर्ट नेटवर्क निर्मित होता है, एक्टिव नेटवर्क में करंट सोर्स और ईएमएफ होता है, इसी परिपथ में थेवेनिन तुल्यांक प्रतिबाधा जेड याद करने के लिए समस्त वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट किए जाते हैं और करंट सोर्स ओपन सर्किट किए जाते हैं, नॉर्टन प्रमेय को किसी परिपथ में अप्लाई करने पर प्राप्त होता है एक धारा सोर्स और एक प्रतिबाधा समांतर में, एक पैसिव नेटवर्क होता है उसमें करंट और वोल्टेज का कोई सोर्स नहीं होता, नॉर्टन प्रमेय एक टू टर्मिनल को परिवर्तित करती है एक स्थिर धारा सोर्स के साथ एक समांतर प्रतिबाधा में। नेक्स्ट नॉर्टन प्रमेय से प्राप्त होता है केवल एक करंट सोर्स प्राप्त होता है, एटेन्यूएटर का मुख्य फंक्शन क्या होता है, इनपुट को कम करना, और धारा सोर्स को परिपथ में नेगलेक्ट करने के लिए सोर्स के स्थान पर सोर्स के टर्मिनल के मध्य ओपन सर्किट रखा जाता है। टू पोर्ट नेटवर्क को विश्लेषण के लिए कौन से पैरामीटर अधिक उपयोगी होते हैं, ट्रांसमिशन पैरामीटर होते हैं, परिपथ में वोल्टेज सोर्स को नेगलेक्ट करने के लिए सोर्स के स्थान पर सोर्स टर्मिनलों को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, किन परिस्थितियों में किरचॉफ के नियम फेल हो जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट की परिस्थितियों में किरचॉफ के नियम फेल हो जाते हैं, किसी परिपथ में ट्रांजिएंट धाराओं का कारण होता है तो परिपथ की अप्लाई की गई वोल्टेज होता है, वोल्टेज सोर्स की टर्मिनल वोल्टेज सोर्स ईएमएफ से कभी अधिक नहीं हो सकती, वीडीआर का प्रयोग किया जाता है परिपथ में अक्षमागम वोल्टेज परिवर्तन को रोकने में किया जाता है, एल्युमिनियम के खनिज ऑक्साइड से एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए प्रक्रिया क्या है, विद्युत उत्पादन, ऊर्जा की एक कॉमर्शियल यूनिट का मान क्या होता है kWh, ईएमएफ से क्या तात्पर्य है, वोल्टेज सोर्स के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज, ये होता है ईएमएफ का मतलब। तो इस तरीके से टोटल हमने डीसी करंट और नेटवर्क करंट से रिलेटेड टोटल 700 क्वेश्चन देखे हैं जो जितने भी एग्जाम के अंदर यहाँ पर पूछे गए हैं, जेई लेवल की हो चाहे डीएमआरसी की हो चाहे वो कोई सी भी स्टेट गवर्नमेंट की जेईएन और एएन की एग्जाम हो।